नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए एचटीएमएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। ये प्रश्न मैंने पुराने पेपरों से और भारत स्किल्स का क्वेश्चन बैंक है वहां से कलेक्ट किए हैं और इन प्रश्नों को मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। टोटल 10 प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको और भी काफी सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, एचटीएमएल फाइल का विस्तार है। तो HTML जो फाइल होती है, उसको जब हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो HTML का जो पेज होता है, उसको सेव करते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर, चाहे वो नोटपैड है, सबलाइम का टेक्स्ट एडिटर, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज करते हो। तो उसके अंदर जब भी हम सेव करते हैं किसी भी HTML फाइल को, तो उसका एक्सटेंशन नेम हम लिखते हैं .html या फिर .htm। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। या तो हम HTML नाम से उस फाइल को सेव करेंगे, या फिर .htm से हम उसको सेव करेंगे। तो इन दोनों नाम से हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि ये किसी भी वेबसाइट का जो है सिर्फ डिजाइन तैयार करती है, उसका लेआउट तैयार करती है कि वो किस तरीके से दिखाई देगी। तीसरा प्रश्न है, कौन सा टैग ब्राउजर को बताता है कि पेज कहां से शुरू होता है और कहां पर बंद हो जाता है? तो कौन सा टैग होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, जो HTML का वेब पेज होता है, वो HTML से शुरू होता है और HTML टैग पर ही खत्म होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, HTML। चौथा प्रश्न है, कौन सा टैग पेज का बैकग्राउंड सेट करता है? तो आप किसी भी वेबसाइट को देखते हो, तो उस वेबसाइट का आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड का कलर होता है वो अलग-अलग होता है। तो बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम बॉडी टैग का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं bg कलर, जो कि इसका एट्रीब्यूट है, और उसके अंदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में हम कोई भी कलर लिख सकते हैं, जैसे कि येलो, ठीक है, ब्लैक, जो भी कलर हम देना चाहते हैं बैकग्राउंड में वो कलर हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। इस एग्जांपल में आप नीचे की तरफ देख भी सकते हो, अगर हमें बैकग्राउंड कलर लगाना है तो बॉडी टैग के अंदर bg कलर, जो कि इसका एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हम कलर लिखते हैं येलो। क्या है ये? इसकी प्रॉपर्टी है। इससे जो हमारा वेब पेज होगा, वेबसाइट का जो पेज होगा, उसका बैकग्राउंड कलर येलो रंग में हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, स्क्रिप्ट टैग डैश में रखा जाना चाहिए, यानी कि जो स्क्रिप्ट टैग होता है, तो स्क्रिप्ट टैग किस लिए यूज होता है? जो हमारा HTML का पेज होता है उसके अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट भी लिखनी है, तो जावास्क्रिप्ट हम जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। और जो स्क्रिप्ट टैग होता है, मतलब स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी जानकारी है, वो जानकारी हम कहां पर पेस्ट कर सकते हैं? तो वो जानकारी हम हेड के अंदर भी रख सकते हैं और बॉडी टैग के अंदर भी रख सकते हैं। हेड टैग के अंदर क्या होता है कि हमारा जो वेब पेज है, जो वेबसाइट का पेज होता है, उसका SEO किया जाता है, जिससे हमारी वेबसाइट जो है सर्च में आती है, जिससे हमारे जो वेब ब्राउजर, उसको पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर, हमारे पेज के अंदर क्या क्या है। तो वो सब जानकारी हेड के अंदर लिखते हैं और बॉडी टैग के अंदर वो सब जानकारी लिखी जाती है जो हमें वेबसाइट पर दिखाई देती है, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट टैग होता है वो हम हेड के अंदर भी लिख सकते हैं और बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बॉडी टैग के अंदर सबसे लास्ट में हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो हैवी होती है, जिससे हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारा वेब पेज है, उसको लोड होने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। छठा प्रश्न है, HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या है? तो HTML जो डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर सबसे पहला टैग कौन सा होता है? हमारा HTML डॉक्यूमेंट HTML से शुरू होता है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही से शुरू होता है और HTML से ही बंद होता है, लेकिन साथ में उसको फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ होता है, जो कि ऑप्शन डी है। सातवां प्रश्न है, बी टैग, बी का मतलब होता है बोल्ड, ठीक है। बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। पाठ को बोल्ड बनाने के, हमारे जो टेक्स्ट होते हैं उनको बोल्ड बनाने के लिए किस अन्य HTML टैग का उपयोग किया जा सकता है? तो बोल्ड यानी कि जो बी टैग होता है, उसके स्थान पर हम किस टैग का इस्तेमाल करके हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं? तो इसके स्थान पर हम जो बी के स्थान पर स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, किसी वेब पेज पर चित्र प्रदर्शित करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? यानी कि हमारी वेबसाइट के अंदर अगर हमें कोई इमेज लगानी है, तो उसके लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम img टैग का यूज करते हैं और img के साथ में src जरूर लगाते हैं, क्योंकि src लगाने से हमें बताना होता है कि हमारे वेबसाइट के अंदर जो इमेज है वो कहाँ से ली गई, उसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो सोर्स बताने के लिए हम src साथ में यूज करते हैं। नौवां प्रश्न है, कौन सा HTML टैग एक पृष्ठ में अक्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टल एक पंक्ति सम्मिलित करता है? यानी कि हमारा जो HTML का पेज होता है, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमें लेनी है, ठीक है, एक सिंपल सीधी लाइन लेनी है, तो वो लाइन लेने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम सिंपल HR टैग का यूज करते हैं। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के लिए हम HR टैग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। दसवां
प्रश्न है, कौन सा HTML टैग सबसे छोटा शीर्षक यानी कि स्मॉलेस्ट हेडिंग है? तो आपके HTML के अंदर टोटल 6 प्रकार की हेडिंग होती है, H1 सबसे बड़ी और H6 सबसे छोटी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होती है, H1, 2, 3, 4, 5, 6, H1 जो कि सबसे बड़ी है और H6 सबसे छोटी, और ये धीरे धीरे छोटी होती रहती है। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, H6 जो कि सबसे छोटी हेडिंग है और H1 जो कि सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।